नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी। आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो खबर को देखकर पूरे ट्रांसपोर्ट समुदाय के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाएगी, खास करके अगर आप ट्रक ड्राइवर हैं और गाड़ी मालिक हैं। आप सबको पता है कि हमारे देश के अंदर आज अच्छे ड्राइवर्स की बेहद कमी है, खास करके ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवरों की बेहद कमी है। ऐसा नहीं है कि ड्राइवर नहीं है, दिक्कत यह है कि ड्राइवर तो हैं लेकिन वो अपने घरों पर बैठे हैं, गाड़ियां चलाने की उनको इजाज़त नहीं है क्योंकि उनके पास हैवी गाड़ियाँ चलाने के लिए हैवी लाइसेंस नहीं है। अब हैवी लाइसेंस इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे जो मौजूदा नियम है, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के मुताबिक, हैवी लाइसेंस लेने के लिए आपके पास आपका 8वीं पास होना बेहद ज़रूरी है। इसी एक शर्त की वजह से ये एक बड़ी दिक्कत हमारे सामने है कि एक तरफ गाड़ियां खड़ी हैं और दूसरे तरफ ड्राइवर गाड़ियां चला नहीं पा रहे हैं। तो खुशी की खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, केंद्र सरकार का जो ट्रांसपोर्ट मंत्रालय है जिसके मंत्री श्री नितिन गडकरी हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि मिनिस्ट्री ने ये मांग मान ली है ट्रक समुदाय की। आठवीं कक्षा की जो शर्त है, आठवीं कक्षा की जो शर्त है हैवी लाइसेंस बनाने के लिए, उसको हटाने का फैसला मिनिस्ट्री ने कर लिया है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी खबर है। हालांकि इसको अभी ये लागू नहीं हुई है, इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना होगा, लेकिन ये बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ने ये प्रोसेस शुरू कर दी है। सबसे पहले आने वाले दिनों में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आएगी और उसके बाद लगभग एक महीने के अंतर्गत फाइनल नोटिफिकेशन आएगी, उसके बाद ये नया नियम लागू हो जाएगा जिसमें आप हैवी लाइसेंस बना सकेंगे, चाहे आप 8 पढ़े हैं या नहीं, चाहे आप बिल्कुल अनपढ़ हैं तो भी आप ट्रक चला सकेंगे, हैवी गाड़ी चला सकेंगे, बस चला सकेंगे और आपका हैवी लाइसेंस बन सकेगा। हालांकि जो इसके लिए रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है, या जो एक होता है कि रोड साइंस वगैरह आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको पहचान होनी चाहिए, वो सारी रिक्वायरमेंट अब भी रहेगी, लेकिन जो एक होता है कि स्कूल की क्वालिफिकेशन, वो वाली शर्त अब हटा ली जाएगी। ये निश्चित तौर पर एक देरी से लिया हुआ लेकिन बहुत ही अच्छा कदम है जिसके लिए हमारी मौजूदा सरकार और ख़ास करके ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी बधाई के हकदार हैं। हम सिर्फ इतनी उम्मीद कर रहे हैं उनसे कि ये कहीं एक फैसला ना बनकर रह जाए, जल्दी से जल्दी इसको जो है अमली जामा पहना दिया जाए, जो फाइनल नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द कर दी जाए। कुछ दिन पहले ही ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें हमने ये तर्क दिया था बार बार सरकार के सामने कि अगर लाइट मोटर व्हीकल चलाने के लिए किसी तरह की कोई शैक्षिक योग्यता की जरूरत नहीं है, अगर आप समझते हैं कि एक अनपढ़ व्यक्ति बिना स्कूल जाए एक लाइट मोटर व्हीकल चला सकता है तो वो फिर हैवी मोटर व्हीकल क्यों नहीं चला सकता। आठवीं क्लास की योग्यता में ऐसा क्या है कि उसको एक वो एक बेहतर ट्रक ड्राइवर बन जाता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक अच्छा ट्रक ड्राइवर बनना है उसके लिए अच्छी ट्रेनिंग का होना जरूरी है, या फिर जो सड़कों के ऊपर रोड साइन या ट्रैफिक सिग्नल है उनकी जानकारी जरूर ड्राइवर्स को होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो सब ट्रेनिंग के साथ आ सकता है, उसके लिए किसी स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। लगता है कि सरकार ने ये तर्क सरकार में जो बैठे मंत्रालय हैं, मंत्रालय में जो हमारे अफसर हैं उनकी समझ में ये तर्क आ गया है, इसीलिए ये जो प्रेस रिलीज है उसके अंदर इसी जजमेंट का हवाला दिया गया है जो हमने दिया था मुकुंद देवगन वर्सेज ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड अदर्स। ये वही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि LMB गाड़ी चलाने के लिए आपको अलग से ट्रांसपोर्ट लाइसेंस की जरूरत नहीं है, तो उसी को आधार बनाकर अब मिनिस्ट्री ने यह फैसला कर लिया है। साथ में यह भी बता दिया है कि ये जो इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है, जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है और एक सिलेक्ट कमेटी है, उन दोनों ने भी इसको हरी झंडी दे दी है। आपको बता दें कि जो पिछली लोकसभा थी, जो पिछली अभी मोदी सरकार का जो फर्स्ट टर्म थी, उसके अंदर भी लोकसभा में मोटर व्हीकल अमेंडमेंट पास हो गई थी जिसके अंदर ये वाली शर्त थी, लेकिन ये लागू नहीं हो सकी थी क्योंकि राज्यसभा में सरकार इसे पास नहीं करवा पाई थी। तो अब दूसरे रूट से अलग से एक नोटिफिकेशन जारी करके बहुत जल्द आपको ये खुशखबरी मिलने वाली है, तो आप तैयारी कर सकते हैं।
अपने हैवी लाइसेंस लेने की। बहुत जल्द इसके ऊपर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है और उसके बाद फाइनल नोटिफिकेशन, और इसकी जानकारी सबसे पहले हम आपको ट्रांसपोर्ट टीवी पर ही मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। एक हमारी गुजारिश आपसे यह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हमारे देश में जितनी भी ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी है, ट्रक ड्राइवर्स हैं, गाड़ी मालिक हैं, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, उनको इसके बारे में पता लग जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको ट्रांसपोर्ट टीवी अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाए बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।